सक्कर थाना थाने के अंतर्गत एक कथित पत्रकार ने दूसरे पत्रकार पर बदनामी का डर दिखाकर 1,00,000 रुपए की अवैध वसूली का मामला सामने आया है। सक्कर थाना थाना अंतर्गत एक कथित पत्रकार ने दूसरे पत्रकार पर बदनामी का डर दिखाकर 1,00,000 रुपए की अवैध वसूली का मामला दर्ज किया गया है। 15,000 रुपए की खंडनी के बाद भी आरोपी कथित पत्रकार ने बाकी रकम की मांग की। ऐसे में परेशान होकर पीड़ित पत्रकार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। आरोपी पत्रकार का नाम मालगेर नगर निवासी सुभाष पुरी गोस्वामी बताया गया है। बीड़ीपेट निवासी अकील अहमद उर्फ गुड्डू लतीफ अहमद एक वीकली न्यूज़पेपर में न्यूज रिपोर्टर है। उसने शहर भर में होर्डिंग लगाकर अपना प्रचार किया। यामध्ये जे कंप्लेनंट आहेत ते एक पत्रकार म्हणून आहेत आणि जे विरोधक आहेत ते पण पत्रकार आहेत। यामध्ये एका विरोधकाने जे कंप्लेनंट आहेत त्यांना एक दोन तीन महिन्यापूर्वी काही त्यांचे खंडणीची मागणी केली होती, त्यातील विरोधकांनी काही रक्कम दिलेली आहे असं ज्यावेळेस आम्हाला आमच्याकडे कंप्लेनंटनी कंप्लेंट केली त्यावेळेस त्याची सत्यता पडताळून पाहण्याबद्दलचे वरिष्ठांनी आदेश दिले आणि त्यानुसार त्रयस्थ पोलीस स्टेशनमार्फत त्याची सत्यता पडताळून नंतर चौकशी प्राथमिक चौकशीनंतर गुन्हा दाखल केलेला आहे। त्यामध्ये कंप्लेनंटला 45,000 रुपये घेतले असं त्यांचं म्हणणं आहे, त्याबद्दलचा तपास सुरू आहे। आरोपी एक पत्रकार म्हणून स्वतः सांगता आहे। आरोपी सुभाष ने 25 अगस्त 2018 से अखिल के नाम से लोगों को बताने लगा कि वह पुलिस वालों को ब्लैकमेल करता है और उसके अवैध धंधे करके पैसे कमाता है। अपनी यह बदनामी रोकने के लिए अखिल और उसके साथ मोहम्मद जकीर ने 27 सितंबर 2018 को सक्करदरा ओवरब्रिज के नीचे सुभाष को बुलाकर बात की। बदनामी ना करने के लिए सुभाष ने 1,00,000 रुपए की मांग की। अखिल 50,000 रुपए देने के लिए तैयार हो गया। उसने 15,000 रुपए दे भी दिए और बाकी रकम बाद में देने की बात की। अंत में परेशान होकर अखिल ने अपनी पत्रकारिता बचाने के लिए 45,000 रुपए और दे दिए। बावजूद इसके सुभाष लगातार पैसों की मांग कर रहा था। ऐसे में परेशान होकर उसने पुलिस की शरण ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।